बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 शूटर बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि 13 मई को ही पत्रकार की हत्या के मामले में ये 5 शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अभियुक्तों की पहचान रोहित कुमार, विजय कुमार, राजेश कुमार, रिसु कुमार, सोनू कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल देसी पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इस मामले में कुछ अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन 5 को लड्डन मियां ने हत्या की सुपारी दी थी। लड्डन मियां को पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन का करीबी माना जाता है। हालांकि पुलिस अभी कह रही है कि साजिश कैसे रची गई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक मामले के जेल से जुड़े होने का सबूत नहीं मिला है। वहीं पुलिस का कहना है कि 5 ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अब पुलिस लड्डन मियां की तलाश कर रही है। पिछले सप्ताह अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए आतंकी सरगना मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद अफगान तालिबान का सरगना हैबतुल्ला अखुंजादा को बनाया गया है। अफगान तालिबान ने पुष्टि की है कि उसका चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर पिछले सप्ताह एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। इसके साथ ही तालिबान ने अपने नए चीफ की नियुक्ति भी कर ली। इस आतंकवादी संगठन ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि उसका नया नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंजादा है और वो मंसूर के 2 सहायकों में से एक है। तालिबान ने कहा कि अखुंजादा को तालिबान नेताओं की एक बैठक में गुट का प्रमुख चुना गया। माना जा रहा है कि ये बैठक पाकिस्तान में हुई। ये माना जाता है कि पाकिस्तानी अधिकारी अफगान सीमावर्ती शहरों में तालिबान के नेताओं को समर्थन देते हैं। ये आतंकवादी 2001 से अफगानिस्तान सरकार को सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटे हैं। मंसूर पाकिस्तान में उस वक्त मारा गया जब अमेरिकी ड्रोन ने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई तालिबानी नेता पाकिस्तानी सीमा के भीतर मारा गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पार्टी लाइन से हटकर बड़ा बयान दिया। शिवराज पाटिल ने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार की तारीफ भी की है। पंजाब के पूर्व गवर्नर शिवराज पाटिल ने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर उन्हें कभी भी कोई शक नहीं था क्योंकि ये एक सही एनकाउंटर था। इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है, जबकि दिग्विजय समेत कई नेता इस एनकाउंटर को फर्जी बता चुके हैं और जांच की मांग भी की थी। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं जो अच्छे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को और वक्त देने की वकालत की। इसके साथ ही पाटिल ने कांग्रेस में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपने अंदर बड़े स्तर पर बदलाव करे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में देश को भटकाने के लिए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ NIA जांच की मांग की है। दरअसल IS के वीडियो में बटला हाउस के एक संदिग्ध के सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने स्टैंड को दोहराया था और कहा था कि एनकाउंटर फर्जी था। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड व आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद एक बार फिर सामने आई पाक की नापाक हरकत। पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचाने के लिए आतंकी मसूद अजहर व उसके साथियों को अपनी सुरक्षा एजेंसी ISI के सेफ हाउसेज में छुपाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल राउफ, कासिफ जान और शहीद लतीफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने छुपाया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ISI ने मसूद अजहर के आतंकियों को निर्देश दिया है कि वो कुछ दिन अंडरग्राउंड रहें। ISI ने यह चाल आतंकियों को भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए चली है। बताया जा रहा है कि जैसे चीफ को बहावलपुर में ISI के सेफ हाउस में रखा गया है। ISI का यह सेफ हाउस बहावलपुर के मौजगढ़ के किले के पास मौजूद है। गौरतलब है पठानकोट हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी NIA मसूद अजहर व उसके साथियों का खासी बेसब्री के साथ तलाश कर रही है, जिसके चलते जहां NIA ने इन लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा रखा है, वहीं अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए ISI ने इन आतंकियों को अपने सेफ हाउसेज में छुपा दिया है। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे बिग बी। 28 मई को इंडिया गेट पर जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम का होगा आयोजन। 26 मई को मोदी सरकार के सत्ता में 2 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी 15 दिनों तक चलने वाला विकास पर्व का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में इंडिया गेट पर भी एक शो का आयोजन किया गया है। 5 घंटे तक चलने वाला जरा मुस्कुरा दो शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करते हुए नजर आएंगे। इस शो के जरिए मोदी सरकार अपने 2 साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस शो का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, स्वच्छ भारत, LED बल्ब स्कीम समेत अन्य विकास की योजनाओं को देश के सामने रखेगी।
आपको बता दें कि सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी विकास पर मना रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। लगातार चुनावी हार से परेशान कांग्रेस ने अब पश्चिम बंगाल में अपने नवनिर्वाचित एमएलए से वफादारी के बॉन्ड पर दस्तखत करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने अपने विधायकों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी के प्रति बिना शर्त वफादारी का हलफनामा 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख कर देने को कहा है। कांग्रेस ने विधायकों से यह भी लिख कर देने को कहा है कि वे पार्टी विरोधी किसी गतिविधि में शामिल होंगे और न ही पार्टी के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी करेंगे। पार्टी यह भी कह रही है कि विधायकों से हलफनामे पर दस्तखत कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि यह कोई कोर्ट एफिडेविट नहीं है कि ना मानने की सूरत में कोई हर्जाना देना होगा। यह एक राजनीतिक घोषणा है जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के विधायक कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने और देश की सेवा करने में एक साथ रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश इकाई का कहना है कि हमने किसी भी विधायक पर हलफनामे पर दस्तखत करने का कोई भी दबाव नहीं बनाया है, लेकिन वफादारी की कसम खाने वाले हलफनामे पर दस्तखत करने में कोई गलत बात भी नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव की अगुवाई में एक साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय से लेकर सेंट्रल हॉल तक पार्टी के बनाए गए प्रत्याशियों के समर्थकों में एक जोश और उत्साह साफ तौर पर देखा गया। राज्यसभा के 11 और विधान परिषद की 13 रिक्त हो रहे सीटों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों ने एक साथ राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। दरअसल संख्या बल के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा के लिए 7, विधान परिषद के लिए 8 सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे में आ रही है। इसी संख्या के हिसाब से राज्यसभा के लिए पार्टी के पुराने वफादार अमर सिंह, पार्टी के संस्थापक सदस्य और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर घर वापसी करने वाले बेनी प्रसाद वर्मा, राज्यपाल से एमएलसी पद पर नामंजूर किए गए शालीमार बिल्डर के मालिक संजय सेठ, पिछड़े कोटे का प्रतिनिधित्व करने वाले विशंबर प्रसाद निषाद, पुराने समाजवादी नेता रेवती रमन सिंह और सुखराम सिंह यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया। जबकि आखिरी वक्त में पार्टी के च्वाइस बने पारस दुग्ध उत्पाद के मालिक सुरेंद्र नागर ने भी अपना पर्चा राज्यसभा के लिए दाखिल किया। जबकि विधानसभा के 8 सीटों पर दावेदारी के साथ अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बलराम सिंह यादव, पुराने समाजवादी नेता सतरुद्र प्रसाद, यशवंत सिंह, बुक्कल नवाब, राम सुंदर दास निषाद, कमलेश पाठक और रणविजय सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, यूपी समाजवादी पार्टी के प्रभारी मंत्री शिवपाल सिंह यादव, बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, अखिलेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सपरिवार पर्चा दाखिल करने पहुंचे अमर सिंह ने पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद तो दिया ही, ये वादा भी दोहराया कि जो मौका मिला है उसमें समाजवादी पार्टी का तन मन से सेवा करेंगे। जबकि संजय सेठ ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि राज्यपाल राम नाईक से समय लेकर मिलूंगा और उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस बात पर खुशी जताई कि बड़ी तादाद में समाजवादियों के विधान परिषद और राज्यसभा पहुंचने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जबकि सांसद धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि 2017 में एक बार फिर सूबे में समाजवादियों की सरकार बनेगी। जहां एक तरफ सुरेंद्र नागर और संजय सेठ जैसे व्यवसायियों को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का मन बनाया है, वहीं इस सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं होने को लेकर सेंट्रल हॉल में हर तरफ चर्चा तेज रही। पूछे गए सवाल पर प्रोफेसर राम गोपाल ने साफ कहा कि इस तरह के किसी भी अफवाह वाले सवाल पर कोई जवाब नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने आज भदोही में जनसभा को संबोधित करते हुए भदोही की जनता को विकास कार्यों की सौगात दी है। भदोही पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कालीन नगरी को आज करोड़ों की सौगात दी, साथ ही 3000 लोगों को समाजवादी पेंशन और 1000 युवाओं को लैपटॉप भी बांटा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अमूल डेयरी, मदर डेयरी यूपी में आ रही है, यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 55 लाख महिलाओं को सीधे समाजवादी पेंशन हम दे रहे हैं। सपा ने लैपटॉप विद्याधन बांटा। सीएम ने कहा तुलना कर लो, सबसे बेहतर काम मैंने किया, बीएसपी और बीजेपी से ज्यादा विकास किया। वहीं उन्होंने बीएसपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मायावती ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर चाहती तो उत्तर प्रदेश से बिजली कटौती को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन कोई भी सहयोग केंद्र सरकार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आए दिन कटौती होती रहती है। ऐसे में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधते हुए कहा
कि जो हाथी 9 साल से खड़े या बैठे हैं वो खड़े ही हैं, विकास कार्य हुआ ही नहीं। तो ऐसे में बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयास उनका अभी भी जारी है। गलत काम करने के बाद खुद को पाक साफ बताने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत सवालों के घेरे में है, जिसमें समाचार प्लस को प्रसारण बंद कराने के बाद खुद से ही उन्होंने पुख्ता करने का काम किया है। समाचार प्लस का प्रसारण बंद करने के साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत जनता के निशाने पर हैं। समाचार प्लस ने हरीश रावत का स्टिंग कर मुख्यमंत्री की हकीकत को सामने लाने का काम किया था कि कैसे सरकार बनाने और बचाने को विधायकों की कथित तौर पर खरीद फरोख्त की जाती है। समाचार चैनलों पर स्टिंग चलने के बाद पूरे मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। वही जाँच से बौखलाए सीएम हरीश रावत ने प्रदेश भर में केबल पर समाचार प्लस को ब्लैकआउट करवाने का काम किया, जिसके बाद जनता ने भी मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोपों की बौछार की है। साथ ही हरीश रावत से जवाब भी मांगा है कि क्या सच को सामने लाने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ऐसे ही गला दबाया जाता है। संविधान की लगातार दुहाई देने वाले उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद संविधान का गला दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आने वाले दिनों में हरीश रावत की सच्चाई छुपेगी कब तक। राज्य में समाचार प्लस का प्रसारण बंद कराकर मुख्यमंत्री हरीश रावत को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पहले सोशल मीडिया पर देर रात से ही लोग सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस को कोसा जा रहा था। सुबह होते ही लोगों ने प्रतिक्रियाएं देने के साथ ही सड़कों पर उतरकर हरीश रावत का पुतला फूंका। सीबीआई में हरीश रावत की पहली ही पेशी के बाद आखिरकार उनके तेवर भी सामने आ गए। 5 घंटे से अधिक का सीबीआई मुख्यालय में समय बिताने के बाद आखिरकार उनकी झुंझ समाचार प्लस पर निकली, जो कि समाचार प्लस ने सच्चाई दिखाई और स्टंग में उनकी पूरी तरीके से पुष्टि हुई कि वही मौजूद हैं। लिहाजा हरीश रावत का नाराज होना लाजमी था। हरीश रावत के ही निर्देशों पर देर रात सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समाचार प्लस का प्रसारण बंद कराया जाए, लेकिन लोगों ने हरीश रावत की इस चाल का जमकर विरोध किया और सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर सड़कों पर लोग उतरे। लिहाजा सरकार बैकफुट पर आई और सुबह 11 बजते चैनल का प्रसारण शुरू करा दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देकर खुद को शहीद साबित करने वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत सीधे सीधे संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस जनता के बीच जाकर वो सच्चाई रखने और उसका मर्म जानने की कोशिश की बात कहते हैं, वो आखिर जनता के बीच जाकर ये कैसे बताएंगे कि उन्होंने एक मीडिया हाउस को बंद करा दिया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सीबीआई दफ्तर में जो कुछ उनके साथ हुआ वो जनता को ना पता चल सके। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के वर्ष 2016 के 10वीं-12वीं परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए। बोर्ड मुख्यालय में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के नतीजे बोर्ड के सभापति आर एस कुंवर ने घोषित किए। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 73.47% रहा। हाई स्कूल में एमपी इंटर कॉलेज रामनगर की प्रशंसा पोखरियाल ने 97% अंक हासिल कर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। छात्रों में विवेकानंद एस रानीखेत के प्रभाकर सिंह परमार ने 96.80% अंक प्राप्त कर बालकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 78.41% रहा। इंटरमीडिएट में HGSSVMIC कुसुम खेड़ा नैनीताल की प्रियंका भट्ट ने 95% अंक हासिल कर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रों में SVMIC कोटद्वार के सार्थक धूलिया ने 73.20% अंक हासिल कर छात्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी है। CBSE ICSE बोर्ड के बाद आज उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी आउट हो गया। 10वीं में 73% रिजल्ट रहा तो वहीं इंटर में 78% रिजल्ट रहा। इस बार भी परीक्षाओं में लड़कियों का दबदबा कायम रहा। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आज आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आ ही गए। छात्राओं ने इस बार भी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में अपना दबदबा बनाया। ICSE और CBSE के बाद उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल एक दिन पहले ही आ गया। हाई स्कूल की परीक्षा में 73.47% रहा, जिसमें से 76.54% छात्राएं तो वहीं 70.48% छात्र पास हुए। वहीं इंटरमीडिएट में 78.41% छात्र छात्राएं ही सफल हुए, जिनमें से 83.14% छात्राएं और 73.55% छात्र सफल हुए। पिछली बार की अपेक्षा इस बार हाई स्कूल में 2.79% अधिक रिजल्ट रहा। वहीं इंटर में 3.87% रिजल्ट में इजाफा हुआ। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्र छात्राओं के साथ ही अब शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें तमाम सुख सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। अल्मोड़ा में बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत और एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
बुधवार की सुबह चकुटिया से रामनगर के लिए निकली जेएमयू की बस घट्टी के पास गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 8 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को खाई से निकालकर भद्रौज खान और रानीखेत के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार जेएमओयू की बस बुधवार की सुबह 6 बजे चकुटिया से रामनगर के लिए चली थी। बस चालक और परिचालक समेत 24 यात्री बस में सवार थे। भद्रौज खान के करीब 15 किलोमीटर की दूरी घट्टी के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घटना में 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 गंभीर रूप से घायल हो गए। SSP KS नगरनियाल ने 8 यात्रियों की मरने की पुष्टि भी की है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को रानीखेत चिकित्सालय से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट पहली अरदास और सुखमणि पाठ के साथ 9:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम लोकपाल लक्ष्मण के कपाट भी आज ही के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंगलवार को गोविंद घाट से जब पहला जत्था रवाना हुआ, 19 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब हेमकुंड साहिब पहुंचे और आज सुबह से ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू हुई और 9:30 पर गुरु ग्रंथी साहिब द्वारा पहले अरदास और सुखमणि पाठ के साथ विधि विधान के से हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। वहीं हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम लोकपाल लक्ष्मण के कपाट भी आज के दिन हर बार की तरह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और अब से 4 माह तक श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण के दर्शन यहां पे होंगे और इस दौरान लगभग 5,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे और जिन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। हेमकुंड साहिब यात्रा में हर बार की तरह शासन प्रशासन ने व्यवस्थाओं के दावे करे हैं, लेकिन इस बार एक नई चीज जो देखने को मिली वो गोविंद घाट से और पुलना के बीच 4 किलोमीटर तक जो श्रद्धालु था वो सड़क मार्ग से पहुंचा। हालांकि अभी भी कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं हुई है, जैसे जो आपदा में जो पुल टूटे थे, हालांकि वैकल्पिक पुल बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वो मुआवजे की जो 2013 में जो दुकानों को नुकसान हुआ था उसे मुआवजे की मांग को लेकर बार बार सरकार के सामने रोष जता रहे हैं। देहरादून में सेक्स रैकेट के व्हाट्सएप प्लान का हुआ भंडाफोड़। क्लेमेंट टाउन इलाके में 5 लड़कियों समेत 2 युवकों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए ग्राहक करते थे लड़कियों से संपर्क। राजधानी में क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने सूचना पर रेड करते हुए फ्लैट से कुल 5 लड़कियों समेत 2 युवकों को अरेस्ट किया है। पुलिस को लंबे अरसे से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के बाद टर्नर रोड पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 युवतियों व 1 युवक को एक फ्लैट में जबकि अन्य 3 युवतियों को एक अन्य स्थान से पकड़ा है। दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार युवतियां दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ की बताई जा रही हैं। युवतियां व्हाट्सएप के जरिए इस धंधे में शामिल थीं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, जबकि 5 लड़कियों को मुक्त कराकर नारी निकेतन भेजा। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से तिलमिलाई हुई है कांग्रेस। संगम नगरी इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रियंका गांधी को लाए जाने वाली मांग पर तिलमिलाई हुई कांग्रेस ने पदाधिकारियों में से महासचिव पद से 2 लोगों को हटा दिया है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार के बाद से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। इसी बीच प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रिय किए जाने वाली और उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने वाली मांग करने वाले इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के 2 पदाधिकारियों को महासचिव पद से हटा दिया गया है। प्रियंका की मांग वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने हसीब और सीरीज को महासचिव पद से हटा दिया है। पद से हटाए जाने के बाद हसीब और सीरीज का साफ कहना है कि उन्होंने पार्टी की कड़वी सच्चाई सामने रखा है। अगर बड़े नेताओं को यह मंजूर नहीं है तो वो पद के बिना भी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। वैसे हसीब और सीरीज समेत इलाहाबाद के कई दूसरे नेता प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रिय किए जाने की मांग को लेकर सालों से उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी की मांग करने की वजह से ये दोनों पहले भी पद से हटाए जा चुके हैं। महासचिव पद से हटाए गए दोनों पदाधिकारियों का साफ कहना है कि उन्होंने पार्टी की कड़वी सच्चाई सामने रखी है और बड़े नेताओं को अगर यह मंजूर नहीं है तो वो पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर भी ऐसे काम करते रहेंगे। अयोध्या कार्तिकपुरम में 14 मई को आयोजित 7 दिवसीय बजरंग दल का आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा पुलिस ने वादी बनकर दर्ज किया है। बजरंग दल द्वारा आयोजित किए गए ट्रेनिंग कैंप के मामले में पुलिस ने अज्ञात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह केस नयाघाट चौकी इंचार्ज रामनिवास पांडे के तहरीर पर अयोध्या कोतवाली में दर्ज किया गया है। फैजाबाद पुलिस ने अज्ञात बजरंगियों के खिलाफ 2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने के आरोप में धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
दरअसल 14 मई को अयोध्या के काशीपुरम में बजरंग दल ने एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था। बजरंग दल के इस प्रशिक्षण शिविर में आयोजित आतंकवाद से बजरंगियों को लड़ने के तरीके पर प्रश्न उठाया गया था। इस प्रशिक्षण में आतंकवादियों को एक समुदाय को दिखाया गया। अयोध्या पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ सांप्रदायिक भड़काने व शांति व्यवस्था भंग करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि बजरंग दल की ट्रेनिंग में मुस्लिम को आतंकवादी और दंगाई दिखाया गया था। जब समाचार प्लस ने प्रमुखता से खबर दिखाई तब पुलिस की नींद टूटी और मुकदमा दर्ज किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को राइफल, तलवार और लाठियां चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। अब ऐसे ही कैंप 5 जून को सुल्तानपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, नोएडा और फतेहपुर में भी लगाया जाएगा। अब वहां भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मुरादाबाद पुलिस ने हाई प्रोफाइल ठग गिरोह को पकड़कर पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इन सातिर गिरोह के 6 सदस्यों को फेसबुक की मदद से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह महिलाओं को ज्यादातर ठगी का शिकार बनाता था। फेसबुक पर दोस्ती कर महिला से ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मुरादाबाद पुलिस ने महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले एक ऐसे गिरोह को खुलासा किया है जो फेसबुक पर हाई प्रोफाइल परिवार की महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें ठगने का काम किया करते थे। शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने 18 महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने की बात स्वीकार की है। बरेली के रहने वाले बदमाशों का यह गिरोह दिल्ली में फर्जी नाम पति से बैंक अकाउंट खुलवाता था और उसके बाद अमीर घरों की महिलाओं को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे लगातार चैटिंग करता था। मुरादाबाद की सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक महिला को भी गिरोह के सदस्यों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कुछ दिन बाद महिलाओं को गिरोह ने गिफ्ट भेजने की बात कही। गिफ्ट में विदेशी करेंसी होने के नाम पर महिला को फोन कर धमकाया गया और उससे 22 लाख रुपए भी ठग लिए। जब गिरोह के सदस्यों की मांग और बढ़ी तो महिला ने पुलिस को शिकायत कर दी। इस गिरोह के बारे में पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस हर एंगल से जांच करने को तैयार है। पुलिस इस बारे में भी जानकारी कर रही है कि इस गिरोह में और भी कितने लोग शामिल हैं। कन्नौज में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। ऋतु के शव का हुआ दोबारा पोस्टमार्टम। नोएडा से आए 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया शव का पोस्टमार्टम। पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से ऋतु के शव को संभाल कर रखा गया। ऋतु के पिता की मांग पर आज ऋतु का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। कल नोएडा से आए आईओ अजय शर्मा ने कन्नौज के डीएम से इजाजत ली। इसके बाद कन्नौज के डीएम अनुज कुमार झा के आदेश पर नेचुरल लाइट में आज ऋतु का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं सुरक्षा की बात करें तो कन्नौज की एसडीएम और सीओ यहां मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पीएम के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि ऋतु यादव केस की लगभग सभी परतों से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ऋतु के पिता का कहना है कि मुझे हर हालत में इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद ऋतु के पिता ने कहा कि अब वो पूरी विधि विधान के साथ ऋतु का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है। बरेली के केसलता अस्पताल में नर्सिंग की छात्रा के आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नर्सिंग की छात्रा ने फांसी पर लटक कर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बरेली के केसलता अस्पताल में नर्सिंग की छात्रा ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। छात्रा आज सुबह अपनी क्लास में गई और कुछ ही देर बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में आ गई और पंखे पर अपने दुपट्टे से लटक कर फांसी लगा ली। शीतल के रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। स्टाफ के आवाज लगाने पर जब शीतल ने दरवाजा नहीं खोला तो गार्ड ने धक्का मारकर दरवाजा खोला तो देखा कि शीतल पंखे पर लटकी हुई थी, जिसके बाद इज्जत नगर थाना पुलिस और शीतल के परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं शीतल की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उसके परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। फिलहाल शीतल की आत्महत्या का अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शीतल रावत फर्स्ट ईयर की नर्सिंग की छात्रा थी। उसकी मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर उसकी आत्महत्या का क्या कारण है। IPL 9 के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये एलिमिनेटर मुकाबला है, लिहाजा आज दोनों टीमें इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी, क्योंकि जो टीम यहाँ हारी उसका टूर्नामेंट से सफर खत्म हो जाएगा। लीग स्टेज में हैदराबाद और कोलकाता दोनों ही टीमों का सफर मिला जुला रहा है। दोनों ने अब तक अपने 14 मैचों में से 8 जीते और 6 मैच हारे हैं। हार जीत में समानता के अलावा भी कोलकाता और हैदराबाद की सफलता अपने अपने कप्तानों पर टिकी है। कोलकाता के लिए गौतम गंभीर सफलता की कुंजी है, तो वहीं हैदराबाद के लिए डेविड वार्नर का चलना जीत की गारंटी है। कोलकाता और हैदराबाद की टीम ने अपना आखिरी मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला था। इस मैच में कोलकाता ने 22 रन से जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए कप्तान वार्नर के नहीं चलने के बाद टीम के बाकी बल्लेबाज मोर्चा नहीं संभाल पाते। IPL 9 में शामिल टीमों में हैदराबाद सनराइजर्स की गेंदबाजी सबसे संतुलित और सबसे मजबूत है।
ये एलिमिनेटर मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला जाएगा और गौतम गंभीर फिरोज शाह कोटला की विकेट से अच्छे से वाकिफ हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन सी टीम के बल्लेबाज और स्पिनर्स फिरोज शाह कोटला की विकेट का फायदा उठा पाएंगे। सिंगर अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच काफी टाइम से अनबन चल रही है और अब अरिजीत सिंह ने फेसबुक पेज पर पब्लिकली सलमान से माफी मांगकर सभी को चौंका दिया है। अरिजीत सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखकर सलमान खान से गुजारिश की है कि वो अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान से उनका गाना ना हटवाएं। अरिजीत ने लिखा है कि उन्होंने सलमान का अपमान नहीं किया था और वो हर तरह से उन्हें ये समझाने की कोशिश कर थक चुके हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि सार्वजनिक तौर पर फेसबुक पर माफ़ी मांगना ही अब आखिरी तरीका बचा है। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने लिखा है कि सलमान को गलतफहमी हुई है और इसे दूर करने के लिए उन्होंने कई बार मैसेज भी किए लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अरिजीत ने फेसबुक पर जो माफीनामा लगाया और फिर कुछ ही घंटों में डिलीट भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि सलमान को किसी जरिए मेरी चिट्ठी मिल जाएगी। गौरतलब है कि सलमान खान ने 2014 के गिल्ड अवार्ड को होस्ट किया था और इस दौरान अरिजीत अपना अवार्ड लेने आए तो इस दौरान सलमान से उनकी मजाकिया बहस हुई थी। इस बहस के बाद सलमान अपनी किसी भी फिल्म में अरिजीत सिंह से गाने नहीं गवाते।